इंडियन फुटबॉल के ऊपर बैन लगने जा रहा है। क्या ये सच है कि इंडियन फुटबॉल के ऊपर बैन लगने जा रहा है? यहाँ पे मोहन बगान इज इन बिग ट्रबल, इंडियन फुटबॉल एंड देयर क्लब्स आर इन बिग ट्रबल। प्लस यहाँ पे लेबनन क्या इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी अक्टूबर के महीने में? क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएगी वियतनाम में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में? काफी बड़ा डाउट है उस पर भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो हम सबको पता है, थोड़ी सी बात मानोलो मार्केज की कर लेते हैं पहले यहाँ पे, कि कल उन्होंने 26 मेंबर्स का प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस करा है। मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े, काफी लोग कह रहे हैं कि बिलो एवरेज स्क्वाड उन्होंने सेलेक्ट करा है। फिर से वही रेपिटेटिव प्लेयर्स उन्होंने सेलेक्ट करे हैं जो इगोर सीमैच के टेन्योर से सेलेक्ट होते हुए आ रहे हैं। एंड एक ये प्रॉब्लम है हमारी इंडियन सेटअप की कि हम क्यों यंगस्टर्स को इतना चांस नहीं देते हैं, क्यों हम 19 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड जो प्लेयर्स होते हैं हमारे, हम उनको क्यों चांसेस इतने नहीं देते हैं? अगर आप देखो तो पार्थिव गोगोई नहीं है, जितिन एमएस नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं, आइजैक अगर मैं बात करूँ, जो यंगस्टर्स हैं। एंड यंगस्टर्स के अंदर हम सब ने देखा है जब वो इंडिया अंडर 20 के लिए खेलते हैं, इंडिया अंडर 17 के लिए खेलते हैं, तो वो कितने ज़्यादा पैशनेट होते हैं। एटलीस्ट वो लिस्टन कोलासो, मनवीर सिंह, रहीम अली, इनसे ज़्यादा पैशनेट होते हैं इंडियन जर्सी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन सब प्लेयर्स से ज़्यादा डेडिकेटेड लगते हैं। जब जितिन एमएस को हम देखते हैं खेलते हुए क्लब्स में, जब हम पार्थिव गोगोई को अंडर 23 में देखते हैं इंडिया की, जब हम कीप जैन को देखते हैं इंडिया अंडर 20 में खेलते हुए, काफ़ी अच्छे लगते हैं वो, ऑन द बॉल भी, ऑफ द बॉल भी, टैक्टिक्स वाइज भी पैशनेट लगते हैं, डेडिकेटेड लगते हैं, पॉजिटिविटी लगती है उनके प्ले के अंडर। बट यहाँ पे एक बार फिर से मनोलो मार्केज ने वही स्क्वाड सेलेक्ट करा है, रेपिटेटिव नेम्स जो कि नहीं करना चाहिए था उनको। यस, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल स्क्वाड रिवैम्प नहीं कर सकते, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे और कुछ नेम्स को इंक्लूड करा जा सकता था। बट यहाँ पे अगर अब मैं बात करूँ, भैया क्या इंडियन फुटबॉल के ऊपर बैन लगने जा रहा है? काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं भैया ये मोहन बगान की जो सिचुएशन है, क्या इंडियन फुटबॉल के ऊपर बैन लग सकता है? तो ये बात ऐसी है कि मोहन बगान के ऊपर $10,000 का फाइन लग चुका है, क्योंकि जो उनका AFC चैंपियंस लीग 2 का फिक्स्चर था अगेंस्ट ट्रैक्टर FC ऑफ ईरान, जो कि ईरान का क्लब है, वहां पे जाके मोहन बगान ने खेलना था 2 अक्टूबर वाले दिन। तो अब मोहन बगान की टीम नहीं जा रही है वहाँ पे, जो कि आई थिंक एक सही फैसला भी है मोहन बगान का, क्योंकि ईरान, लेबनन, पैलेस्टाइन, इजराइल, हम सबको पता है कि यहाँ पे इन चारों कंट्रीज में सिचुएशन कितनी गंदी हो रखी है, सिचुएशन कितनी वर्स हो रखी है इन चारों कंट्रीज में, हम सबको पता है। कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लगातार अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, एक दूसरे की कंट्रीज को टारगेट करा जा रहा है यहाँ पे इन चारों कंट्रीज में, जो कि सेफ नहीं है आई थिंक सो। $10,000 का फाइन लग चुका है इसीलिए मोहन बगान के ऊपर। प्लस यहाँ पे मोहन बगान अब डिसक्वालीफाई हो जाएगी पूरे AFC चैंपियंस लीग के सीजन के लिए, पूरे अब चैंपियंस लीग 2 के सीजन में मोहन बगान हमको नहीं खेलते हुए दिखेगी। एंड हमको 3-0 फॉरफिट भी करना पड़ेगा ये मैच, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी टीम मोहन बगान ईरान पहुंच ही नहीं पाई, वहां पे पहुंची ही नहीं हमारी टीम, तो 3-0 विक्ट्री दी जाएगी, जो कि फॉरफिटेड विक्ट्री होती है ट्रैक्टर FC को। यहां पे अगर देखा जाए तो ईरान का जो क्लब है ये ट्रैक्टर FC, अब उनका ये कहना है कि अभी एक आध दिन पहले ही यहाँ पे पर्सेपोलिस एंड पख्तेकौर का AFC चैंपियंस लीग एलीट का मैच हुआ है, तो इंडियन क्लब्स को आने में यहाँ पे ईरान में क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सही बात भी है, अभी कल ही मैच हुआ है AFC चैंपियंस लीग एलीट का, पर्सेपोलिस वर्सेस पख्तेकौर, तो यहाँ पे अगर 24 घंटे पहले ही ईरान एक टीम गई है, अभी हमारी इंडिया की वॉलीबॉल टीम भी कुछ टाइम पहले ही गई है, 5 से 10 दिन पहले ही वहां पे मैचेस खेलने ईरान की वॉलीबॉल टीम के अगेंस्ट, तो क्यों मोहन बगान नहीं जाना चाह रही है? वेल, उनके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हम सबको पता है कि सिक्योरिटी इश्यूज अगर हों तो नहीं जाना ही ज्यादा बेहतर रहता है। बट यहां पे अब इंडिया की जो स्पॉट है AFC चैंपियंस लीग 2 में, जिसमें मोहन बगान खेल रही है, इस सीजन तो हम डिस्क्वालीफाई हो ही जाएंगे, बट अगले सीजन्स में भी वो हमारी स्पॉट जो है इंडियन क्लब की AFC चैंपियंस लीग 2 से
वो हटा दी जा सकती है, हमारी जो स्पॉट है वो जा सकती है, हमारा कोई भी क्लब फिर एएफसी चैंपियंस लीग एलीट जिसमें अल हिलाल अल नसर खेलते हैं उसमें नहीं दिखेगी हमको खेलती हुई, एएफसी चैंपियंस लीग टू जिसमें मोहन बगान खेल रही है अभी वो वाली स्पॉट भी हमारी जा सकती है। तो मतलब हम फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन दोनों में ही नहीं खेल सकते एशिया के, सिर्फ हमको थर्ड टीयर में खेलना अलाउ होगा क्योंकि यहाँ पे एएफसी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये सारे फाइंस लगते हैं एंड फॉरफिटेड भी हो जाएगा ये मैच। प्लस इस साल मोहन बगान अब कम्पीट नहीं कर पाएगी एएफसी चैंपियंस लीग टू में, तो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल डिक्लाइन पे है और ज़्यादा अब, क्योंकि अगर हम सिर्फ एएफसी चैलेंज लीग में खेलने जोगे रह गए हैं तो भैया फिर इंडियन फुटबॉल एंड उनके क्लब्स कहाँ पे जा रहे हैं। आई रियली डोंट थिंक कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट सेफ्टी कंसर्न्स हैं तो हमको नहीं जाना चाहिए एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे वॉर सिचुएशन बनी हुई है। प्लस यहाँ पे अगर मैं लेबनन की बात करूँ तो लेबनन वर्सेस इंडिया होना है 12 अक्टूबर को, बट क्या लेबनन की टीम ट्रैवल करेगी वियतनाम वो एक देखने वाली बात है क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरीज जारी हो चुकी है, लेबनान नहीं जाना सब कंट्रीज कह रही हैं ये। प्लस यहाँ पे जो लेबनान की फुटबॉल लीग है उनकी फर्स्ट डिवीजन है लेबनन की वो भी पोस्टपोन्ड हो गई है, तो क्या यहाँ पे ऐसे में लेबनन के जो प्लेयर्स हैं वो ट्रैवल करेंगे वियतनाम टू प्ले अगेंस्ट वियतनाम फुटबॉल टीम एंड इंडियन फुटबॉल टीम, इट इज़ अ बिग बिग डाउट। बट यहाँ पे देखा जाए तो सिचुएशन अच्छी नहीं है इन चारों कंट्रीज में, लेबनन इसराइल पैलेस्टाइन एंड ईरान। प्लस यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल का बेड़ा गर्क हो रहा है वो एक अलग बात है, वो खैर हमें उसकी आदत है, यहाँ पे अब हमारे को चैंपियंस लीग टू से भी बर्खास्त करा जा चुका है, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी आएगी एएफसी की जैसे ही वो मैं बता दूंगा आपको। बैन इंडियन फुटबॉल पे नहीं लग रहा है बट यस इंडियन क्लब्स पे लग रहा है फ्रॉम प्लेइंग इन एएफसी चैंपियंस लीग टू। तो ये है अब तक की लेटेस्ट अपडेट, तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।